मोदी को बताया विफल सीएम नीतीश पर साधा निशाना। पटना पहुंचते ही लालू यादव ने दिखाया पुत्र प्रेम, एयरपोर्ट से सीधा पहुंचे तेज प्रताप आवास, नहीं थी मुलाकात, तेज ने दी सफाई। शराबबंदी को लेकर हुई कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, विपक्ष सरकार पर साधा निशाना, बचाव में दिखे सीएम नीतीश कुमार। आठवें चरण के पंचायत चुनाव प्रचार का थम गया जोर, 24 नवंबर के 36 जिलों के 55 प्रखंडों में होंगे मतदान, सुरक्षा की तैयारी पूरी। और झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक को अर्सेना के जवानों को किया गया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव उन्हें रिसीव करने पहुंचे और इस दौरान आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनके बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। वहीं लालू यादव ने पटना आने से पहले दिल्ली में मीडिया से बातचीत की और शराबबंदी को लेकर बिहार की सियासत को एक बार फिर से गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब की तस्करी रोकना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में खुले आम शराब की बिक्री हो रही है और बिहार इससे लगा हुआ है और इसीलिए शराब की तस्करी यहाँ चल रही है। वहीं लालू यादव ने नीरा बनाने वाले बयान पर भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम ने ताड़ी से नीरा बनाने की बात कही थी, पर नीरा बनाने के बजाय नीतीश कुमार की पुलिस ताड़ी का कारोबार करने वाले समाज को परेशान करने में लगी है। दरअसल 23 नवंबर को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाला के एक मामले में पटना कोर्ट में पेश होने दिल्ली से पटना आए हैं। ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है, ताड़ी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बाहर से मंगा रहे हैं लोगों को, ताड़ी का नीरा बनाएंगे, नीरा जी जिससे चौधरी लोगों को फायदा होगा। कहाँ गया इनका नीरा और कहाँ गया इनका प्रयोग को भी फेल हो गया। तार पर चढ़ा हुआ चौधरी पास ही ताड़ी उतारने के लिए आप पुलिस पहुंचे, वो पूरे से गिर जाता है डर के मारे। ये हाल है भैया, अब खत्म करें न करें वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फेल तो हो गया है। बताया ना कि आए बंद करके वो तो हमसे पूछने, हमारी पार्टी सब लोग थे ही, लेकिन ये जहरीला शराब पिलाने के लिए, होम डिलीवरी के लिए, स्मगलिंग के लिए। नीतीश के राज में जी शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं, बिहार में मौत भी नहीं रुक रहा है, जहरीला शराब पी के लोग मर रहे हैं जी, पुलिस प्रशासन वगैरह सब फेल है। जब शराबबंदी की बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, लागू कैसे करोगे, एक तरफ बंगाल है खुला है, दूसरे तरफ फिर उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में छोटा नागपुर रांची, तो चारों ओर के टापू में तो हम लोग हैं जी, तो सब जगह से स्मगलिंग होगा शराब, तो रेवनू भी गया, लोग का मौत भी गया और होम डिलीवरी हो रहा शराब। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचते ही सबसे पहले अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे, लेकिन तेज प्रताप से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद लालू यादव वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव को ये मालूम हुआ, वो खुद लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने बताया कि वो जिम गए हुए थे और जैसे ही उन्हें पता चला वो खुद अपने माता और पिता से मिलने पहुंच गए। कल क्या क्या कार्यक्रम है और आप भी मिलने आ रहे हैं? पिताजी से जानकारी हुई थी मॉर्निंग में। क्या जिम गए हुए थे, जिम से लौटे हैं तो आपके आवास पे गए थे, आप मौजूद नहीं थे। जिम गए हुए थे, जिम गए हुए थे, जिम पिताजी को लाने नहीं गए, जिम गए हुए थे ना। आपको पता नहीं था पिताजी आ रहे? पिताजी कितना, आपको पता था ना, आप खुश हो रहे हैं, खुश है, खुश है। इस बार आते के साथ सबसे पहले आपके आवाज पर वो गए। हाँ। भाई तो गए तो गए, आप नाराज हो गए थे। आ? आप नाराज हो गए थे, आपके आवाज पे गए, आप नाराज हो गए थे क्या? आप नाराज हो गए थे, आप नाराज हो गए होंगे। कल क्या क्या कार्यक्रम है?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर पुलिस को सख्ती बरतने के लिए कहा, तो अब पटना पुलिस उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने में जुटी है। पटना पुलिस एक शादी समारोह में शराब ढूंढते हुए पहुंच गई और इस दौरान पुलिस ने परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली और हद तो तब हो गई जब जांच करते करते पुलिस वाले दुल्हन की कमरे की तलाशी लेने लगे और इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद नहीं थी, जिसके बाद अब विपक्ष सरकार के इस कार्यशैली पर, पुलिस के इस कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं इसके बाद बिहार में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और इसको लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशासन पर सवाल उठाया है। यदि आप शराबबंदी के खिलाफ हो तो चलो घोषणा पत्र में शामिल कर लो। मैं बताऊं मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, सुशील मोदी और उनके नेता नीतीश कुमार जी से, हमारे संविधान में है कि कोई शराब पीने वाला हमारा सदस्य नहीं बन सकता। और मैं वादा करता हूँ सार्वजनिक रूप से, जिस दिन कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी शराब पीते हमारा पकड़ा जाएगा, मैं तत्काल उनको दल से निष्कासित और बर्खास्त कर दूंगा। हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गोडसे वाले लोग नहीं हैं। दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है, परिवार के लोग भी, जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग, जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं से चलती है और बकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम तो सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगी। यही वहीं विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि लगातार ऐसी सूचना मिलती है और इसीलिए छापेमारी हो रही है। शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए हमने पुलिस विभाग को आदेश दिया है और तेजस्वी यादव के रोजगार वाले बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी, जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय, लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैरकानूनी है, तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। तो पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए, आज जो कहे उसको खूब छापिए, उसको क्या मतलब है, काम से मतलब है ऐसे लोगों का, काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है, देखते हैं कि किस तरह से काम और कहां कहां हम लोग जानते हैं। ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी, घर के अंदर बैठा रहता है, कि सब लोग कितना ज़्यादा देखते हैं एक एक चीज़ को, और हम लोग कोई भी चीज़ को समीक्षा ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कि भाई और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो, कहीं का कोई शिकायत आता है, अब तो जान जान रहे हैं, हर महीने 3 सोमवार को जो मिलते हैं
तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई शिकायत लेकर के आता है तो उसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो अब कहाँ किनको क्या लगता है अपना बोल लें, उसमें कोई दिक्कत। शराबबंदी को लागू करने के लिए पटना के जिला अधिकारी, एसएसपी और कमिश्नर संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं और इसको लेकर हिंदी भवन में घंटों बैठक चली, जिसमें शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए इस पर मंथन हुआ। और इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि शराबबंदी के लिए जो कुछ संभव होगा वो किया जाएगा। जहाँ तक बताया गया कि होटल में महिला पुलिस थी और जो अन्य पुलिस जो होटल कर्मी थे, होटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी साथ में था। हम लोग का साफ कहना है, कहीं पर भी हमें अनावश्यक बिना किसी सूचना के रेड नहीं करनी है। और ये पुलिस लगातार, इसमें आप लोगों ने भी देखा हुआ पिछले दिनों जो भी रेड हुई है उसमें रिकवरीज भी हुई है। और ऐसा बिल्कुल जहाँ भी महिलाएं रहेंगी, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सख्त निर्देश, और यह लगातार होता भी रहा है कि वहाँ महिला पुलिस भी रहेगी। और महिला पुलिस की अब कोई कमी भी नहीं है, हमारे यहाँ तो महिला पुलिस अधिकारी भी हैं और महिला कर्मी भी हैं, महिला पुलिस जवान भी हैं, तो पर्याप्त संख्या में, और उनका हमेशा उपस्थिति रहेगी जहाँ भी आवश्यक। मसौरी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में देसी शराब के साथ एक टेम्पो को पुलिस ने जब्त किया। मसौरी पुलिस शराब के छापेमारी करने कहीं जा रही थी, उसी वक्त पुलिस को देख शराब तस्कर भागने लगे। और शराब तस्कर को भागते देख पुलिस ने जब टेम्पो के पास अपनी गाड़ी रोकी तो देखा कि टेम्पो में 40 लीटर देसी शराब रखा हुआ है, जिसे बेचने के लिए वो कहीं ले जा रहे थे। फिलहाल मौके से टेम्पो चालक और शराब तस्कर दोनों फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने शराब के साथ टेम्पो को जब्त कर मामले की जाँच में जुटी है। और आरा जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में विदेशी शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, इसके आधार पर कोइलवर थाना प्रभारी ने पूरी फोर्स के साथ मथुरापुर गांव में संतोष कुमार सिंह के घर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। और साथ ही पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सरकारी राशि में बरती गई अनियमितता और छात्र विरोधी रवैयों के खिलाफ सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इसका आक्रोश मार्च निकाला। बता दें, नेतृत्व परिषद के नेता रविकांत पांडे ने की मार्च में शामिल छात्र छात्राओं ने कुलपति का पुतला दहन किया और अपना आक्रोश, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी व्यक्त की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चकिया के द्वारा मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति एवं उनके सहयोगियों ने छात्रों के पैसे एवं सरकारी पैसे का लूटने का जो काम किया, उसी के खिलाफ आज विरोध मार्च एवं पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। भ्रष्ट कुलपति एवं उनके करीबी माने जाने वाले कई शिक्षक एवं प्राचार्यों ने छात्रों के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, साथ ही विश्वविद्यालय के नियमों को ताक पर रखकर आर्थिक अनियमितता में भ्रष्ट लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अनालंदा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय के वीसी यानी कुलपति का पुतला दहन किया। पिछले 19 नवंबर को मगध विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकाने पर एसबीयू ने छापेमारी की थी, जिससे नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोहसराय किसान कॉलेज के पास कुलपति का पुतला दहन कर नारेबाजी की। एबीवीपी के संयोजक सज्जन कुमार ने कहा कि शिक्षा के मंदिर को वीसी ने कलंकित किया है, छात्रों और अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को घोटाला और लूटने का काम किया है। एबीवीपी मांग करता है कि जल्द से जल्द उन्हें निलंबित करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी को गिरफ्तार। बोलो बोलो भारत। दानापुर के पंचशील नगर में रविवार रात लड़की पक्ष ने दूल्हा समेत पूरे बाराती को बंधक बना लिया और शादी में खर्च हुए रुपए की मांग करने लगे। हजारीबाग के पोखरा से लगभग 25 की संख्या में बाराती लड़की पक्ष के घर पंचशील नगर पहुंचे थे। देर रात शादी के दौरान रस्मों रिवाज चल रहा था और इस बीच सिंदूरदान के ठीक पहले अचानक लड़का मंडप में बेहोश हो गया, जिससे लड़की के परिजनों को किसी गंभीर बीमारी के बारे में शक हुआ। उसे लेकर शादी के मंडप पर ही हंगामा हो गया। सुपौल के प्रतापगंज में युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष भूप नारायण यादव के भाई की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने
पीड़ित परिजनों से सोमवार को मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि उनकी बात एसपी और डीएम से भी हुई। अपराधी जहां भी हो उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा और परिजनों को उचित न्याय मिलेगा, इसका आश्वासन दिया है नीरज बबलू ने। घटना घटी ये काफी दुखद है और हम समझते हैं कि प्रमुख साहब के भाई की हत्या हुई और हमारा संबंध इनसे भाई वाला रहा है शुरू से। जब से हम यहाँ एमएलए हुए तब से हमारे साथ रहे हैं, तो पार्टी वार्टी चलते रहता है, लेकिन घटना जो घटी है काफ़ी दुखद है और इस घटना के लिए हम लोग एसपी डीएम दोनों से बात किए हैं। आप निश्चिंत रहें, एकदम कार्रवाई होगी, जो भी अपराधी होगा एकदम नहीं बचेगा, किसी भी हाल में नहीं बचेगा। धरती के किसी कोने में होगा तो हम लोग उसको खोज करके निकालेंगे और एसपीडी ट्रायल करा करके उसको सजा दिलवाने का काम करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और दूसरा है प्रमुख साहब के सुरक्षा का, हम लोग इसके लिए भी बात करेंगे, अभी डीएमएसपी दोनों से फिर से बात करेंगे जा करके, इनके परिवार के सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। और इस तरह के घटना से निश्चित रूप से थोड़ा सा मर्मरिंग होता है लोगों में, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं, उनके परिजन की हत्या होती है तो ये काफ़ी दुखद होता है। ऐसे हत्या कोई भी दुखद है। खबरों के सफर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall? Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royal Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर पति फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार अंगारघाट थाना क्षेत्र के बिरनामा तुला गांव के वार्ड संख्या 15 निवासी सुनीता देवी का अक्सर उसके पति के साथ विवाद होता था और इसी मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के बेलही गांव निवासी एक युवक की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर उसे घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि शोका कुल परिवार को सांत्वना देने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर पहुंचे और परिवार से मिलकर उचित न्याय दिलवाने की बात की। राजधानी पटना में चोरों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन चोरी की वारदात से पुलिस की सक्रियता पर अब सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पैजाबा का है, जहां ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर से 65,000 रुपए नकद और 3,00,000 से अधिक के सामानों की चोरी हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंगेर में हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित गोवड्डा पंचायत की मुखिया पति संजय सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक संजय सोरेन हार्डकोर नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य था। पुलिस को 2008 से इसकी तलाश थी और इस पर वसूली, बम विस्फोट, सशस्त्र अधिनियम जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मुंगेर के असरगंज में सड़क हादसे में एक पुलिस जवान की मौत हो गई। संग्रामपुर थाना में कार्यरत पुलिस जवान अमित कुमार तिवारी, जो निजी काम से सुल्तानगंज जा रहा था, तभी कमराय गांव के निकट हुई सड़क हादसे में जवान की मृत्यु हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है।
बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान 24 नवंबर को होना है और ऐसे में तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में 2 प्रखंडों में मतदान होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। गायघाट और बंद्रा प्रखंड में 24 नवंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि गायघाट के 23 पंचायतों के लिए कुल 329 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 9 सहायक मतदान केंद्र हैं। और कल PCCP का डिस्पैच होगा, तो हम लोग जो आवश्यक तैयारी था वो पूरी कर लिए हैं। सभी कर्मियों को पार्टी मिलान करा के उसको सामग्री दे के बूथ पे भेजी जा रही है। कल PCCP को भेजा जाएगा बूथ पे। कुल 329 बूथ हैं और जिसमें 320 जो है मूल मतदान केंद्र है और 9 सहायक मतदान। मुजफ्फरपुर जिले में पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान 24 नवंबर को होना है। जिले के गायघाट और बंद्रा प्रखंड में भी मतदान होना है और इसको लेकर पुलिस काफी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। पुलिस लोगों से शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील कर रही है। सोमवार को पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सामग्री वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, वैसे अनाथ बच्चों को राहत सामग्री किट उपलब्ध कराने हेतु वाहन को रवाना किया गया। समाज कल्याण विभाग एवं केयर इंडिया के सौजन्य से COVID-19 से प्रभावित परिवार के अनाथ बच्चों की सेवा हेतु 1 महीने का राशन सामग्री किट का वितरण किया जा रहा है। जिले भर में चिन्हित 8 प्रखंडों में 20 किट का वितरण किया जा रहा है और ऐसे परिवारों की सूची को केयर इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे के उपरांत तैयार किया गया है। COVID-19 के दौरान जिन बच्चों के माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है, उसमें केयर इंडिया एवं समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह राहत किट का वितरण किया जा रहा है। आपने भी देखा कि इस किट में जो इसेंशियल 1 महीने के लिए जो खाने की सामग्री है, जिसमें तेल है, मसाले है, चावल है, आटा है, ये सारी चीज़ें, इवन बिस्कुट वगैरह भी जो है, ये सारी चीज़ें इसमें दिए जा रहे हैं ताकि एक न्यूट्रिशियस आहार जो है उन बच्चों को मिले। मैं पुनः एक बार जो हूँ केयर इंडिया और समाज कल्याण विभाग के जो हमारे DPICDS है उनको धन्यवाद देता हूँ। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सिस्टम एंड ट्रेडिशन यानी CSTS दिल्ली की मुख्य आयोजक उपस्थित रही और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य मिथिला के साहित्यिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को निरंतर रखने और नए सूत्र में नए मोती पिरोने की पहल है। कि हमारी जो क्षेत्र की भाषा है, संस्कृति है, साहित्य है, उद्योग है और परंपराएं हैं, उनकी चर्चा हो, उसके बारे में समझ बने, चेतना और विकसित हो और हम लोग एक समग्र इतिहास को, सामाजिक परिवेश को लेकर के आगे की तरफ बढ़ सकें ताकि आगे देखने की परंपरा का विकास हो। झारखंड की खबरों पर अब नजर डालेंगे और बात करेंगे झारखंड के विधानसभा के स्थापना दिवस की। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को संपन्न हुआ और इसमें उत्कृष्ट विधायकों को सम्मानित किया गया और इसके अलावा उत्कृष्ट कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश की सीमा पर शहीद हुए झारखंड के वीर सपूतों और नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को भी सम्मान दिया गया। स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो मुख्य रूप से शामिल रहे। के समारोह के दौरान उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को भी सम्मानित किया गया। सरायकेला जिला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के गौसनगर स्थित फुटबॉल मैदान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 महिलाओं के बीच कपाली नगर परिषद की मेयर शोभा रानी महतो और डिप्टी मेयर सरवर आलम के द्वारा गैस सिलेंडर, चूल्हा एवं रेगुलेटर का वितरण किया गया। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत कुल 223 महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 50 महिलाओं के बीच गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से यानी 17 नवंबर को बंदूक की नोक पर एक होटल से किए गए लूटकांड को अंजाम देने वाले
तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत 17 नवंबर को साक्षी शीतला मंदिर के पास स्थित कोलकाता बिरयानी नामक होटल में तीन अपराधियों ने पहुंचकर बंदूक की नोक पर होटल से 11,000 रुपए और मोबाइल की लूट की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।